संभाग स्तरीय व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न। बाजार स्तरीय प्रकोष्ठ गठन करने की बात के साथ जीएसटी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया गया। अटल कुंज में संभाग स्तरीय व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सहित कई प्रदेश व संभाग स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जीएसटी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कहा गया, जीएसटी का गठन कर केंद्र की भाजपा सरकार ने व्यापारी को चोर से साहूकार बना दिया। साथ ही छोटे छोटे बाजार स्तर पर संगठन खड़ा करने की बात करते हुए रीवा में यह काम पूर्ण करने की बात भी कही गई। बजट पास होता है तो व्यापारियों से उसका बैक लेना पड़ता है, वहां की सरकारें लेती हैं तब वो बजट पास करती है। और भारत की धरती पर भी मैं आप सभी व्यापारियों से चाहता हूं, अभी जीएसटी को लेकर के हमारे गुरु भाई साहब ने बोला, दोस्तों मैं बहुत प्रेम से बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जिन व्यापारियों को कांग्रेस ने चोर बना दिया था उन व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने साहूकार बनाने का मौका दिया है। जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ संगठन के विस्तार की दृष्टि से, संगठन को सक्रिय करने की दृष्टि से संभागीय बैठक आयोजित हम कर रहे हैं। जबलपुर के बाद में शहडोल, शहडोल के बाद में आज रीवा की संभागीय बैठक हुई। मुख्य रूप से संगठन को हमको लघु और सूक्ष्म व्यापारियों तक ले जाना है, जिसके अंतर्गत बाजार संयोजक की एक संरचना बनाकर वहां तक गठन करना। रीवा में तो काफ़ी बाजार संयोजक तक गठन हो भी गया है, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का एक नियमित काम करती है, उस नियमित काम के तहत ये प्रवास और आयोजन था। इसके अतिरिक्त व्यापारियों में जीएसटी को लेकर अभी जो बहुत बड़ा निर्णय हुआ कि व्यापारियों की सबसे बड़ी और प्रमुख मांग थी कि हर महीने हमको रिटर्न देना होता है, तो वो रिटर्न 3 महीने में त्रैमासिक किया जाए। पिछले जीएसटी काउंसिल में 5 करोड़ के टर्नओवर तक के व्यापारियों को 3 महीने में रिटर्न भरना है, ये व्यापारियों के इच्छा अनुसार उनकी समस्या के अनुसार सबसे बड़ा निर्णय है, जिसमें लगभग 93% व्यापारी आ जाएंगे जिनको 3 महीने में रिटर्न भरना है।